जनपद के धुरिया गौण जातियों की जाति प्रमाण पत्र जारी करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर दूसरे दिन भी नगर निगम पार्क में धरना जारी रहा। शुक्रवार को जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वर्षीय गौण महासभा सतीश चंद्र गौण ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाए, जिससे धुरिया गौण जातियों के साथ न्याय हो सके। इस अवसर पर गौण समाज के कन्हैया लाल, आशीष कुमार, कृष्णा कुमार, शिव शंकर, श्री चंद्र दया शंकर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गौण महासभा के अधिवक्ता उमा शंकर गौण ने कहा, धुरिया समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, गौण एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, शंकर गोंड एडवोकेट जनपद सिद्धार्थनगर। इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, लेकिन इस गोंड जनजाति को उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती आदि आजमगढ़ जनपदों में धुरिया एवं अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संवैधानिक संशोधन कर ये 13 जनपद के लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा था, परंतु आज देवरिया, बलिया दो जनपदों को छोड़कर और शेष 12 जनपदों में धुरिया एवं गोंड जात के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा। जब हम लोग जो है जिलाधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय पर जाते हैं तो हम लोगों को भगा दिया जाता है। प्रार्थना पत्र अगर हम लोग IGRS से देते हैं तो उस पर लिख दिया जाता है कि आवेदक धुरिया या गोंड जात के लोग नहीं हैं, बल्कि ये जात के कहार हैं।